आइए बच्चों, अब हम ईवीएस का थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर माय फैमिली पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी परिवारों में रहते हैं और परिवार दो प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके बच्चे सभी के रहते हैं, वे जॉइंट फैमिली कहलाते हैं। और जिसमें मम्मी पापा भाई या बहन रहते हैं, वे न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं, एकल परिवार कहते हैं जिसे। जॉइंट फैमिली को संयुक्त परिवार कहते हैं। आइए देखते हैं, हु ऑल मेक ए फैमिली, जो हम इसमें चैप्टर में कवर करेंगे कि कौन है सब जो एक परिवार बनाते हैं। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, और क्या रिलेशनशिप होते हैं, संबंध होते हैं बिटवीन, बीच में डिफरेंट अलग अलग फैमिली मेंबर्स के। हाउ डू फैमिलीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, और कैसे परिवार एक दूसरे से डिफर होते हैं, अलग होते हैं। डिफर मीन्स अलग होना। हाउ डज ए फैमिली ग्रो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और कैसे एक फैमिली बढ़ती है एक पीढ़ी से दूसरी तक। हाउ इज ए फैमिली ट्री ड्रॉन, और कैसे एक परिवार का ट्री बनाया जा सकता है। वैन डू रिलेटिव्स कम टू सी अस, कब हमारे जो रिश्तेदार होते हैं हमसे मिलने आते हैं। हाउ आर न्यू रिलेशंस फॉर्म्ड, और कैसे नए रिश्ते, न्यू रिलेशंस मीन्स नए रिश्ते बनाए जाते हैं, फॉर्म मीन्स बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं, हु ऑल मेक ए फैमिली। पीपल लिविंग विद यू इन योर हाउस आर योर फैमिली। पीपल लिविंग, जो लोग रह रहे हैं विद यू, तुम्हारे साथ, इन योर हाउस, तुम्हारे घर में, आर योर फैमिली, तुम्हारा परिवार है। दे लव यू, वे तुमसे प्यार करते हैं। एंड टेक केयर ऑफ यू, और तुम्हारी देखभाल करते हैं। दे हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी वे तुम्हारी मदद करते हैं जब जरूरत की हो, ऐसा जरूरत का समय हो तो वे हेल्प करते हैं तुम्हारी। दे चीयर यू, वे तुम्हें प्रसन्न रखते हैं। अब वैन यू आर सैड, जब तुम उदास होते हो। अब आपको क्या करना है, ड्रा और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली। या तो पेंसिल से ड्रा करो, बनाओ, या उनके फोटो चिपका दो इसके अंदर, ये जो बॉक्स दे रखा है इतना बड़ा, अपने परिवार के सभी सदस्यों के। आइए आगे चलते हैं, एक्टिविटीज। लर्न एंड रिसाइट, आपको लर्न करना है और इसे रिसाइट करना है, बोलना है, बोल के सुनाना है। दिस पोएम इन योर क्लास, अपनी क्लास के अंदर, एंड इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, और अपने परिवार के सामने। तो ये आप स्वयं करेंगे ये पूरी पोएम। आइए देखते हैं, शेयर योर व्यूज, यानी शेयर करो, बांटो अपने व्यूज को, अपने दृष्टिकोण को, विचारों को, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो कौन कौन से व्यूज हो सकते हैं। हु डू यू थिंक लव्स यू द मोस्ट इन योर फैमिली, यानी तुम्हारे परिवार में कौन आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो अपने दोस्तों को बताओ, उनसे भी पूछो कि उनसे उनके परिवार में कौन करता है। हु टेक्स केयर, कौन परवाह करता है, देखभाल करता है ऑफ योर फूड, आपके भोजन की एंड ड्रेसेस की। फिर उनसे भी पूछो कि उनकी कौन करता है। हु हेल्प्स यू, कौन मदद करता है तुम्हारी, टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखने में। उसके बाद हु टेल्स यू स्टोरीज, कौन तुम्हें कहानियां सुनाता है एट बेड टाइम, सोने के समय। हुम डू यू कॉल फॉर हेल्प, हुम मीन्स किसे, हुम डू यू कॉल, तुम किसे पुकारते हो फॉर हेल्प, मदद के लिए। वैन यू आर
स्केयर्ड, जब तुम स्केयर्ड हो जाते हो, स्केयर्ड मीन्स भयभीत। आइए आगे चलते हैं। हाउ डू फैमिलीज डिफर, परिवार कैसे, हाउ मीन्स कैसे, डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। द पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, लोगों की अलग अलग परिवार की फैमिलीज होती हैं। ए फैमिली, एक परिवार, दैट हैज ओनली द पेरेंट, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, उसे एकल परिवार कहते हैं। न्यूक्लियर मीन्स एकल, सिंगल फैमिली टाइप, एकल परिवार। ए फैमिली दैट हैज ग्रांड पेरेंट्स, और एक ऐसा परिवार जिसमें ग्रांड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, इज कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके सामने, न्यूक्लियर फैमिली क्या है ये याद रखें, और ज्वाइंट फैमिली क्या है ये याद रखें। अक्रम लिव्स विद हिज फादर, अक्रम अपने पिता के साथ रहता है, मदर माँ के साथ, एंड सिस्टर और बहन के साथ। हिज फैमिली इज ए न्यूक्लियर फैमिली, उसका जो परिवार है एकल परिवार है, ये याद रखे अक्रम का परिवार। आइए आगे चलते हैं। बनित्स पेरेंट्स, जो बनित्स के माता पिता है, बनित के ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके जो दादा दादी है, अंकल ब्रदर ऑफ हिज फादर, आंट एंड देयर डॉटर, और उनकी बेटी, लिव टुगेदर, वे इकट्ठा रहते हैं। बनित लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली, बनित है एक संयुक्त परिवार में रहता है। मोनिका लिव्स विद हर मदर, मोनिका अपनी माँ के साथ रहती है, एंड हर ग्रैंड फादर, और अपने दादा के साथ। मदर्स फादर यानी माँ का पिता, यानी यहाँ पे ग्रैंड फादर का अर्थ क्या हुआ, नाना जी। हर फादर डज नॉट लिव विद देम, जो उसका पिता है वह उनके साथ नहीं रहता है। ही हैज गोन टू वर्क इन अनदर कंट्री, क्योंकि वह दूसरे देश में काम करने जा चुका है। मोनिका फील्स वेरी हैप्पी, मोनिका बहुत हैप्पी महसूस करती है, खुश महसूस करती है। वैन हर फादर कम्स, जब उसका पिता आता है होम, घर पर, ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। प्रिया लीव्स विद हर फादर, प्रिया है जो अपने पिता के साथ रहती है, एंड ग्रैंड मदर, और दादी जी के साथ रहती है। सी लॉस्ट हर मदर, उसने अपनी माँ को खोया था। वैन सी वॉज ओनली 2 years old, जब वह केवल 2 साल की थी। मिस्टर एंड मिसिज वर्मा अडोप्टेड सूरज, मिस्टर और मिसिज वर्मा ने सूरज को अडोप्ट किया था। अडोप्ट मीन्स गोद लेना। फ्रॉम एन ऑर्फनेज, एक अनाथालय से, ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय। नाउ दे लिव टुगेदर, अब वे इकट्ठा रहते हैं। सूरज इज वेरी हैप्पी विद हिज फैमिली, सूरज है जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। सीनू लॉस्ट हर पेरेंट्स, सीनू ने अपने माता पिता को खोया। इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में। मिस रेनू हर मौसी, मिस रेनू है जो, वह उसकी मौसी है, मदर सिस्टर को मौसी कहते हैं। अडोप्टेड हर, उसने उसे गोद लिया। नाउ सीनू इज रेनूज डॉटर, अब सीनू है रेनू की डॉटर है। दे लिव टुगेदर, दे लिव, वे रहते हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ, एंड लव, और प्रेम करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से। फैमिलीज में भी डिफरेंट, परिवार अलग हो सकते हैं, बट दे हैव सर्टेन थिंग्स, उनमें कुछ चीज़ें होती हैं इन कॉमन, जो सामान्य होती हैं। फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, फैमिली के जो सदस्य होते हैं इकट्ठा रहते हैं। दे शो, वे दिखाते हैं लव, प्रेम एंड केयर, और परवाह करते हैं, देखभाल करते हैं, फॉर वन अनदर, एक दूसरे की। एल्डर्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, जो बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, और छोटे बच्चे होते हैं, इन द फैमिली आर गिवन
एक्स्ट्रा केयर, जो बड़े होते हैं ज़्यादा ही बूढ़े जैसे बुजुर्ग, उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, और छोटे बच्चों को। फैमिली मेंबर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के जो मेंबर हैं वो बांटते हैं जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारियाँ, एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की मदद करते हैं। जस्ट लुक एट द फैमिली ऑफ लारा, अब लारा का परिवार देखो। हर मदर इज कुकिंग फूड, उसकी माँ भोजन पका रही है। इन द किचन, किचन में। हर फादर इज हेल्पिंग हर मदर, उसके पिता उसकी माँ की मदद कर रहे हैं बाई कटिंग वेजिटेबल्स। लाराज ग्रैंड मदर इज फीडिंग हर लिटिल ब्रदर, लारा की जो दादी है वह छोटे भाई को कुछ फीड करा रही है, खिला रही है। हर ग्रैंड फादर है जस्ट ब्रॉट मिल्क, और उसके जो दादा है अभी अभी मिल्क लाए हैं, दूध लाए, एंड ब्रेड, और ब्रेड लाए फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। लारा इज वाटरिंग द प्लांट्स, लारा है जो प्लांट्स में पानी दे रही है। एक्टिविटी देखते हैं, हु डज द फॉलोइंग वर्क इन योर फैमिली, ये जो काम दिए गए हैं चार, ये इनमें से कौन करता है। जैसे कुकिंग फूड, तो कौन आपके परिवार में भोजन पकाता है, तो आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े कौन धोता है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, आपके परिवार में बाजार से कौन चीज़ें लाता है, यहाँ पे उनका आप नाम लिखेंगे। हेल्प यू डू योर होमवर्क, और कौन हेल्प करता है आपकी होमवर्क करने में, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ये सारे काम करके या फोटो खींच के मेरे पास भेजने हैं, लापरवाही न करें। आइए आगे चलते हैं। जनरेशंस, जनरेशंस क्या होती है, पीढ़ियाँ। इन द फैमिली एंड फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री के बारे में होगा इसमें। लेट अस हैव ए लुक एट बनीज फैमिली, आइए बनी का परिवार देखते हैं। हर ग्रैंड पेरेंट्स आर द सीनियर मेंबर्स, उसके जो दादा दादी हैं वे सबसे सीनियर हैं, बड़े हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार में। दे फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन, तो ये पहली पीढ़ी बनाते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं परिवार में वो पहली पीढ़ी कहलाते हैं। ऑफ द फैमिली ट्री, जो फैमिली ट्री होता है परिवार का वृक्ष होता है। पीपल ऑफ मोस्ट द सेम एज, जो उसी एज के होते हैं, हु लिव अराउंड, जो चारों तरफ रहते हैं द सेम टाइम, मेक अप ए जनरेशन, वह एक जनरेशन बनाते हैं, पीढ़ी बनाते हैं। दे हैव टू सन्स, अब उनके दो बेटे हैं, कमल एंड रमन। दे फॉर्म द सेकेंड जनरेशन, वे सेकेंड जनरेशन बनाते हैं ऑफ द फैमिली, परिवार की। रमन बनीज फादर, रमन है जो बनी के फादर है, मैरिड रीता, उन्होंने रीता से शादी की थी। बनीज मदर, जो बनी की माँ है। दे हैव टू चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे हैं, दो। बनी एंड हर ब्रदर तरुण, एक का नाम बनी है और दूसरा है तरुण। दे फॉर्म द थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी पीढ़ी बनाते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन देखो ये ऊपर, फिर सेकंड जनरेशन है, और फिर थर्ड जनरेशन। ऐसे ही आपके परिवार में भी है, सभी के परिवारों में होती है। ये बन गया फैमिली ट्री। आइए देखते हैं सम यूजफुल एक्टिविटीज। फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग, परिवार बढ़ता रहता है। व्हेन न्यू मेंबर्स ज्वाइन, जब नए मेंबर ज्वाइन करते हैं, न्यू मेंबर्स ज्वाइन, नए सदस्य ज्वाइन करते हैं। व्हेन देयर इज ए मैरिज इन द फैमिली, जब परिवार में कोई शादी हो, और ए बेबी इज बोर्न, या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। बनीज आंट लता विल सून गिव बर्थ टू ए बेबी, बनी की जो आंट है लता, वह जल्दी एक बेबी को जन्म देगी। व्हाट रिलेशन विल बनी हैव विद द बेबी, अब बनी का बेबी से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। आइए ये एक्टिविटी देखते हैं। इसमें आपको अपने परिवार का फैमिली ट्री बनाना है। आपके परिवार में जो सबसे बड़े, अगर दादा है तो दादा, दादी है तो दादी, मतलब इसके हिसाब से, तो वे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपके जो दादा हैं
उनके जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं मान लो, उनके तीन बच्चे मान लीजिए, तो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें, मान लो उनकी तीनों की पत्नियां हैं, तो आप अलग से बॉक्स बनाएंगे, ये ध्यान रखें, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, और उस बॉक्स में नाम लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ये जो बच्चे हैं दादा के, दादा दादी के बच्चे, इनके बहुत सारे बच्चे हैं, अगर थ्री हैं तो एक इसमें लिख देंगे, एक आप स्वयं हो जाओगे और एक और, अगर कम है तो कोई बात नहीं, बॉक्स छोड़ देना, लेकिन ज़्यादा है तो छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे ऐसे, उनमें नाम अवश्य लिखने हैं। और मान लो किसी परिवार में दादा के भी पापा जिंदा हैं, तो आप बॉक्स को बढ़ा देंगे ऊपर से, ये ध्यान रखें, ठीक है, और नीचे से भी बढ़ा सकते हैं, सबसे ऊपर लिखते 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 और नीचे यहाँ पे इधर आ जाएगा बॉक्स, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो फैमिली ट्री अवश्य बनाएं। ओके ऑल, जितनी जरूरत हो उतने बॉक्स बढ़ा सकते हैं। फैमिली हेल्प्स अस, परिवार हमारी मदद करते हैं टू लर्न मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखने में। वी लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं फ्रॉम अवर फैमिली, अपने परिवार के मेंबर्स से। वी लर्न टू प्ले, हम खेलना सीखते हैं, सिंग गाना सीखते हैं, डांस नाचना सीखते हैं, एंड ड्रा और पिक्चर या चित्र बनाने सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न टू कुक, पकाना भी सीखते हैं, टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स, और अपनी चीज़ों की देखभाल करना सीखते हैं। यूज मशीन्स, मशीन्स को यूज करना सीखते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हम परिवार से सीखते हैं। अरब्स ब्रदर इज ए हीरो, अब अरब है जो, उसका भाई हीरो है, फॉर हिम, उसके लिए। ही हैज टॉट, उसने सिखाया है अरब, अरब को, टू ड्रा, चित्र खींचना, प्ले कैरम, कैरम खेलना, एंड यूज ए कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर यूज करना। अरब्स ब्रदर हैज जस्ट गोट मैरिड, अरब के जो भाई हैं उनकी शादी अभी अभी हुई है। अरब्स भाभी, भाई की जो पत्नी है, ब्रदर्स वाइफ को भाभी बोलते हैं। इज वेरी केयरिंग, बड़ी परवाह करने वाली है। सी हेल्प्स अरब, वह अरब की मदद करती है इन डूइंग हिज होमवर्क, उसका होमवर्क करने में। सी इज ए वेरी गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर है। अरब इज ऑल्सो लर्निंग टू डांस फ्रॉम हिज भाभी, अरब अपनी भाभी से डांस सीख रहा है। थिंक एंड टेल, अब सोचो और बताओ। What have you learnt from your family members? कि आपने अपने परिवार के members से क्या क्या सीखा है। Talk to your friends, अपने दोस्तों से बात करो। And try, और कोशिश करो to find out, पता लगाने की, what they have learnt from their family members, कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से क्या सीखा है। Our relatives, हमारे रिश्तेदार, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिव विद अस, जो हमारा परिवार होता है उसके सदस्य हमारे साथ रहते हैं। बट देर आर मैनी अदर पीपल, लेकिन बहुत से लोग और भी हैं। हु आर रिलेटेड टू अस, जो हमसे रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, बट डू नॉट स्टे विद अस, लेकिन वे हमारे साथ नहीं रहते हैं। आवर आंट्स, अंकल्स, कजिन्स एटसेट्रा, ये हमारे साथ नहीं रहते हैं। डू नॉट लिव विद अस, ये हमारे साथ नहीं रहते हैं। दे लिव विद देयर फैमिलीज, वे अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इन देयर होम्स, अपने घरों में। रिलेटिव्स फ्रॉम अवर फादर्स साइड, जो पिता की साइड के रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, संबंधी होते हैं, ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स, उनको पैटर्नल यानी पैतृक संबंधी कहते हैं, या रिश्तेदार कह सकते हैं उन्हें। रिलेटिव्स फ्रॉम अवर मदर साइड, जो हमारी माँ की तरफ के जो संबंधी होते हैं, आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स, यानी मैटरनल में मातृ संबंधी, माता संबंधी। दीज रिलेटिव्स विजिट अस, ये रिश्तेदार हमारे यहाँ आते हैं ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई अवसरों पे। दे कम ऑन फेस्टिवल्स, वे त्योहारों पे आते हैं, बर्थडेज पे आते हैं, मैरिजेज में आते हैं, और बर्थ ऑफ ए बेबी या किसी बेबी का जन्म हो तब आते हैं। दे आल्सो कम व्हेन समबडी इज सिक, वे जब भी आते हैं जब कोई सिक हो, सिक मीन्स बीमार।
और देर इज ए प्रॉब्लम इन द फैमिली, या परिवार में कोई समस्या हो तब आते हैं। आइए देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली के मेंबर्स को क्या कह के पुकारते हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू यू, और उनका तुमसे क्या संबंध है। कंप्लीट द टेबल, अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अपने परिवार के किसी मेंबर का नाम लिखना है, उसका आपसे क्या संबंध है ये लिखना है, और आप उनको क्या कह के पुकारते हैं ये लिखना है। ऐसे ही इसमें सभी में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने, फिर इसमें आपको बॉक्स में उनसे आपका क्या रिलेशन है, संबंध है, चाचा ताऊ जो भी लगते हैं, अंकल फादर मदर जो भी है लिखना, और आप उन्हें क्या कहते हैं। जैसे कोई अंकल को चाचू कहता है तो चाचू ही लिखे, मतलब जो आप कहते हैं वही लिखे, मतलब चेंज ना करें। आइए देखते हैं, हुम डू यू थिंक योर पेरेंट्स लाइक द मोस्ट, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे माता पिता किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हुम आर यू मोस्ट अफ्रेड ऑफ इन योर फैमिली, तुम किससे सबसे ज्यादा डरते हो अपने परिवार में। अफ्रेड ऑफ मीन्स डरना, लाइक द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा पसंद करना। हु गेट्स स्कोल्डेड मोस्ट ओपन इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में सबसे ज्यादा कौन डांट खाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, हो सकता है आप ही हो। इज देयर एनी फैमिली मेंबर, क्या कोई परिवार का सदस्य है हु हैज टू लीव अवे फ्रॉम होम, जिसे घर से दूर रहना पड़ता है फॉर सर्टेन रीजन्स, कुछ निश्चित कारणों से। अगर है तो हाउ ऑफन डज ही स्लैश सी कम होम, तो वे कितने अक्सर कितनी बार घर पे आते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ, इस वीडियो को बार बार देखें, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको समझा दी हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब मैं क्वेश्चंस भेजूंगा और उनके आंसर्स जो आपको बुक में भर के और फोटो खींच के मेरे पास भेजना है, अगर आगे काम लेना चाहते हो तो। थैंक यू।